मैक्रोनी पीनट चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने एक भगोने में पानी रखा है बॉईल होने के लिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच नमक और 1 बड़ी चम्मच ऑयल, जिससे मैक्रोनी बॉईल होने में चिपके नहीं। अब जब पानी में बॉईल आ जाएगा जब इसमें हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है, अब इसमें हम मैक्रोनी डालते हैं। मैक्रोनी ये हमारी वेट में 200 ग्राम है। इसको 8 मिनट तक हमें बॉईल करना है और बीच बीच में चेक करते रहना है। इसको हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही बॉईल करना है। लो मीडियम फ्लेम पर थोड़ी अच्छी फूलती है, यदि आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। लगभग 8 मिनट हो गए हैं हमें इसे पकाते पकाते। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो गई है, अब इसको हम एक छन्नी में छान लेंगे। यहाँ पे मैंने एक छन्नी रखी है, इसमें मैं मैक्रोनी को छान लूंगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी मैक्रोनी हो गई है। अब इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे ताकि मैक्रोनी हमारी चुपके नहीं। देखिए कितने बड़े बड़े साइज की मैक्रोनी हमारी हो गई है। मैक्रोनी को यदि आप ठंडे पानी से नहीं धोएंगे तो मैक्रोनी चुपक जाती है, खिली खिली नहीं बनती है, इसीलिए ठंडे पानी से आप इसको जरूर धोइए। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे। एक चम्मच इसमें डालेंगे हम रिफाइंड। अब इसमें सबसे पहले यहाँ मैंने एक कटोरी मूंगफली की गिरी ली है, इनको हम भूनेंगे। देखिए मूंगफली हमारी चटकने लगी है, इसका मतलब मूंगफली हमारी भुन गई है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। अब इस बचे हुए बटर में हम प्याज को भूनेंगे अच्छे से। प्याज को भी हमें गोल्डन होने तक भूनना है। जब प्याज गोल्डन हो जाएगी तब हमें प्याज को भी बाहर निकाल लेना है। यहाँ मैंने 3 बड़ी साइज की प्याज ली है, इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज भी अच्छे से गोल्डन हो गई है, अब इसको हम पैन से बाहर निकाल लेंगे। मूंगफली और प्याज तो हमारी भुन गई है, अब बारी है हमारी मैक्रोनी भूनने की। इसके लिए हम डालेंगे फिर से 1 चम्मच बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे मैक्रोनी। मैक्रोनी को हमें थोड़ी थोड़ी देर में अच्छे से चलाते रहना है। जब मैक्रोनी हल्की हल्की गुलाबी होने लगे तब इसको बंद कर देंगे। मैक्रोनी को यहाँ मैंने 10 से 15 मिनट तक अच्छे से भुना है। आप देख सकते हैं इसमें मैक्रोनी का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें देखिए क्रंच आ गया है। इसमें हम बाकी का सामान ऐड करेंगे और अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें ये मैक्रोनी पीनट चाट बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे टी टाइम स्नैक्स में या कोई आ जाए उस समय आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। जो भी कोई आएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। अब इसमें ऐड करेंगे हमने मूंगफली भूनी थी, मूंगफली, प्याज फ्राई करी थी, प्याज, पैन
पहले इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने गैस को भी बंद नहीं किया है, जब तक मैं इसमें अपने मसाले मिलाती हूँ तब तक ये और ज्यादा क्रंची हो जाएगी, इसलिए मैंने गैस को ऑफ नहीं किया है। अब इसमें डालेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक नींबू का रस, स्पाइसेस आप जो भी ज्यादा खाना पसंद करते हो तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पेपर और नमक इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको सुपर टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए हम ऐड करेंगे बॉईल किए हुए आधी कटोरी कॉर्न, और इसमें ऐड करेंगे इसका टेस्ट और अच्छा बढ़ाने के लिए एक छोटी चम्मच चंकी चाट मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमारी मैक्रोनी अच्छे से क्रंची हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए लग रही है ना एकदम यूनिक मैक्रोनी पीनट चाट।